महाराजा मनु अपने दोहित्र को ले आए। महाराजा मनु अपनी सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी तेरा पुत्र हमें बड़ा अच्छा लगता है, अपना बेटा हमें दे दो। नाना के घर में चले आए यज्ञ भगवान, यज्ञ नारायण, हम यज्ञ करेंगे नित्य। इसका अर्थ क्या है कि बेटे के घर में कुछ अच्छा हो रहा हो तो वो सीख लो, द्रव्य मत लीजिए। आपने बेटी ब्याह दी, पुत्री का विवाह कर दिया, पुत्री अच्छे संस्कारवान घर में गई है और वहां नित्य सत्संग होता है, दान व्रत पूजा होती है, तो अपनी बेटी की ससुराल से सत्संग की प्रवृत्तियां सीखो, धन मत लो उनसे। बेटी से, बेटी घर में कितना अच्छा, रोज सत्संग होता है, रोज दान व्रत नियम होते हैं, रोज दान होता है, दान रोज प्रतिदिन करो, पता नहीं अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हर दिन दान करिए, दाना डालो पंछियों को, हर दिन अर्घ दो सूर्य को, चंद्र को प्रणाम कीजिए, अतिथि अभ्यागत आगंतुक का आदर कीजिए, जो साधनहीन है उनको भी द्रव्य दो, अभाव ग्रसितों को, उनको जो वनवासी हैं, गिरिवासी हैं, उन बंधु भगनियों तक अपनी वस्तुएं पहुंचाइए, आपके पास प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त हैं, अधिक हैं, पहन नहीं पाओगे, नहीं कर पाओगे उपयोग, प्रयोग उतना नहीं प्रयोग हो पाएगा, बहुत है, बांटिए, बांटना सीखो, इसी का नाम यज्ञ है। यज्ञ करते हैं बटना, उसमें देना है। यज्ञ यज धातु से बना है, यज धातु के तीन अर्थ बताएं, पहला है दान देना, दान दीजिए, प्रकृति से सीखो भैया दान। कोई पूछे जी कहां से सीखे दान, अरे देखो तो सही, प्राण दान कर रहा है परमात्मा, अब सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। अच्छा एक एक छोटा सा काम करो, एक दो घंटे सांस लेना बंद कर दो, बहुत दिन हो गए सांस लेते लेते, थोड़ा आराम कर लेते, दिन भर सांस लें छोड़ें, दिन भर सांस लें छोड़ें, अरे प्राण दान हो रहे हैं, श्वास का दान कर रहा है, वो जीवन दान कर रहा है, ये जीवन दान में मिल रहा है रोज, अब कल्पना नहीं कर रहे। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे थे, पता लग गया था ना ऑक्सीजन का लेवल कहां पहुंच रहा था, सांस उखड़ रही थी हमारी, प्राण दान में मिल रहा है, प्रकाश दान में मिल रहा है, धरा दान में मिल रही है, जीवन दान में मिल रहा है हमको, हमको भी दान देना चाहिए। कभी कभी भगवान बड़े दयालु, जब अत्यंत करुणा करते हैं भगवान तो उनमें उपदेश, उपदेशक प्रकट होता है, ऐसा स्कंद पुराण में आता है। जब भगवान में बड़ी करुणा पैदा होगी जीव के प्रति, जब अत्यंत करुणा पैदा होगी तो भगवान को सिखाने के लिए शिक्षक, उपदेशक, मार्गदर्शक, प्रवचनकर्ता, व्यास या गुरु बन जाते हैं। भगवान का मन करता है मैं भी कुछ सिखा दूं इन्हें, और ऐसा भगवान यक्ष बनकर प्रकट भी हो गए। और यक्ष बनकर जब प्रकट हुए भगवान तो वहां धनुज मनुज और देव तीनों ही थे। जब भगवान प्रकट हुए तो संयोग से देवता और दैत्य और मनुष्य भी वहां थे। ऐसा दुर्लभ संयोग कभी कभी होता है कि देव धनुज मनुज एक साथ हों। भगवान प्रकट हुए और सब प्रसन्न हुए, देव अत्यंत हर्षित हुए और दैत्यों को भी लगा कि कैसी करुणा की है प्रभु ने, और ये यक्ष बनकर प्रकट हो गए। देवताओं ने कहा कुछ देने आए हैं आप, भगवान ने कहा मैं उपदेश देने आया हूं। सबने हाथ जोड़ लिए, कुछ कहिए ना प्रभु, और तब भगवान ने बहुत सीमित से शब्दों में अपने शब्दों को समेटना आरंभ किया और जो कुछ कहना चाहते थे उसे कम 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 करते हुए, बहुत समेटते हुए अपने उपदेश को, और कहा द, इतना कहा भगवान ने द, देवता अत्यंत हर्षित होकर प्रणाम करते हुए कहने लगे प्रभु हमने समझ लिया, सीख लिया, जान लिया।
हम पहचान गए आप क्या कहना चाहते हो, जान गए, हमने सीख लिया, आपके उपदेश को हम धारण करते हैं। भगवान ने पूछा क्या समझा आपने, तो देवताओं ने कहा दा माने दमन, इतना कुछ है हमारे पास, स्वर्ग के सुख हैं, अंतहीन सुख, इसलिए हमें अपने मन को, अपनी इंद्रियों को दमन, दम दमन करना चाहिए, अंकुश रखना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए। दैत्यों ने भी प्रणाम करते हुए कहा देव हमारे लिए कुछ कहिए हे प्रभु, और तब भगवान ने कहा द, और दैत्यों ने कहा हम भी समझ गए। भगवान ने कहा आपने क्या समझा, बोले हमने समझा द से दया, हम दूसरों को बहुत कष्ट देते हैं, हमें इतना नहीं देना चाहिए, दया करेंगे, जीव पर हम दया करेंगे, हमारे आचरण से, स्वभाव से, हमारी प्रतिक्रियाओं से, हमारी चेष्टाओं से बहुत कष्ट होता है अन्यों को, हम दैत्य बहुत दुखी करते हैं, अकारण छीन लेंगे वस्तु दूसरों के अधिकारों को, हटात बलात् हम दस्यु बन जाते हैं, कई बार हम ऐसे ही तो सब कुछ छीन लेते हैं दूसरों का, हम दैत्य, हम निशाचर, हम राक्षस, हम आतताई, हम आक्रांता, हम भयभीति तो करते हैं दूसरों को, दुखी तो देते हैं, हमारे से नाना प्रकार के कष्ट दूसरों को सहन करने पड़ते हैं, दया करेंगे हम, कभी भी अब कष्ट नहीं देंगे, और जीव पर दया करने का स्वभाव अपना बनाएंगे। भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन जब मनुष्यों ने देखा और ऋषियों ने, सप्त ऋषि आदियों ने, सब ऋषि मुनियों ने भगवान की ओर देखा प्रणाम करते हुए कि हमको भी कुछ कहो, तो भगवान ने मनुष्यों के लिए भी कहा द, तो ऋषियों ने आनंदित होकर, प्रसन्न होकर और नाचते हुए कहा कि हमने समझ लिया आप क्या कहना चाहते हो, हम जान गए कि आप हमारे लिए क्या उपदेश दे रहे हैं। भगवान ने कहा भी क्या समझा आपने, द से इन्होंने दमन, दैत्यों ने दया, और आपने क्या समझा, तो तब सब ऋषि मुनियों ने कहा हमने द से समझ लिया दान, हम मनुष्यों को दान करना चाहिए, इतना कुछ दिया है आपने, तो द्रव्य का दान माने धन का दान, ज्ञान का दान, सम्मान का दान, और दान में तो कितने दान है, भूमि दान के, गौ दान के, स्वर्ण दान,